प्रेज लॉर्ड, प्रभु का धन्यवाद हो। आज की सुबह में आपके बीच में आकर मुझे अच्छा लग रहा है। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि आसमान के परमेश्वर ने हम सबों को अभी तक सलामत रखा है, और मेरा विश्वास है कि वो आगे भी हमें सलामत रखेगा। मैं प्रभु का धन्यवाद देना मांगता हूँ, और मैं धन्यवाद देना मांगता हूँ प्रे टीम ग्रुप जीजस का कि जिन्होंने मौका दिया कि उनके पेज पर आकर प्रभु के वचन को लेकर मैं आपके पास आ सकूं। और जो ये समय मुझे मिला है, मैं उस समय का फायदा उठाना मांगता हूँ, और मैं सीधे आपको भजन की तरफ लेके जाना मांगता हूँ। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय और उसकी चौथी वर्स, साम 34 और उसकी 4 वर्स मैं आपके सामने आपके बीच में रखता हूँ, जो इस प्रकार से लिखा है, मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। मैं प्रभु का धन्यवाद देना मांगता हूँ इस अच्छे वचन के लिए, सुंदर वचन के लिए जो प्रभु ने हमसे बातें की है इस वचन के द्वारा, कि ये सच है कि जब मैं यहोवा के पास गया तब उसने मेरी सुन ली। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ये गवाहियां हैं कि जब जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं तब तब वो हमारी सुन लेता है। मैं आपको बताऊं कि मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं जिस प्रकार से मैंने मेरे परमेश्वर ने मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए काम किया है। मैं विश्वास करता हूं कि वही परमेश्वर आपके लिए भी काम करना चाहता है, पर जरते वशते ये है कि हम उसके पास जाए। कई बार हम गलत डिसीजन लेते हैं अपने जिंदगी में, बहुत सारे से रॉन्ग डिसीजन लेते हैं जिसकी वजह से हमें खमियाजा भुगतना पड़ता है, हमें नुकसान उठाना पड़ता है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें लॉस हो जाती हैं। पर मैं आपको बताऊं कि एक सही डायरेक्शन और एक सही निर्णय लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम सही निर्णय लेते हैं तभी हम सही डायरेक्शन पे भी जा सकते हैं। मालूम है आपको कि बहुत सारे लोग बहुत किस के पास जाते हैं, पता नहीं लोग किस किस के पास जाते हैं। कोई डॉक्टर के पास जा रहा है, कोई वकील के पास जा रहा है, कोई दोस्तों के पास जा रहा है, कोई रिश्तेदारों के पास जा रहा है, पर उनके जीवन में भलाई नहीं आ रही और वो उनकी सुन भी नहीं रहे हैं। शायद उनके कानों में उनकी आवाज नहीं पहुंचती, और शायद पहुंच जाती है तो शायद वो अपने कान बंद कर लेते हैं, वो सुनना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वो तकलीफ में है। जब सब कुछ बहुत खराब चल रहा होता है, जब बहुत परेशानी में आप, मैं और आप चल रहे होते हैं, तब कोई हमारी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। पर मैं आपको गुड न्यूज देता हूँ आज की सुबह में कि एक है जो आपकी और मेरी सुनने के लिए हमेशा तैयार है। अगर रात में 2:30 बजे भी हम उसको पुकारेंगे तब वो हमारी सुन लेगा। अगर रात के 3 बजे, 3:30 बजे भी हम उसके पास जाएंगे तब वो हमारी सुन लेगा। कई बार हम लोगों के पास जाते हैं जब हमें डर लगता है तो सबसे पहले हम फोन को उठाते हैं और फोन खटखटाना शुरू करते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जाना शुरू करते हैं। पर मैं आपको आज उत्साहित करना मांगता हूं इस वचन से कि अगर आप इधर उधर जा रहे हैं, अगर आप इधर उधर देख रहे हैं, तो आइए परमेश्वर के पास आइए, क्योंकि उस वो परमेश्वर है जो आपकी तत पर सुनने के लिए तैयार है। मैं यहोवा के पास गया, दाऊद कहने लगा कि मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। और मालूम है ना कि सिर्फ सुनता है, पर आपको गुड न्यूज देता हूं कि वो उसने कहा, दाऊद ने, कि उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। अगर आप किसी चीज का आपको भय सता रहा है, अपने बच्चों का भविष्य का भय सता रहा है, आपको बीमारी का भय सता रहा है, कोई डर आपको सता रहा है, तो मैं आपको बताऊं कि उसके पास जाने से आप निर्भय हो जाएंगे, आपके अंदर का डर खत्म हो जाएगा, और आप भी कहने पाएंगे कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर क्यों ना चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। पता क्यों कहने पाएंगे? क्योंकि आप उसके पास गए और उसने आपकी प्रार्थना को सुन लिया और आपको पूरी तरह से निर्भय बना दिया। मैं आपको बताना मांगता हूं, कई बार हमें कई चीजों का हमें डर लगता है और कई कई चीजें हमें डराती भी हैं आकर, पर आपके लिए गुड न्यूज है कि परमेश्वर के पास आने वाले के लिए ये जरूरी है कि वो विश्वास करे कि वो है और वो उसके लिए सब कुछ कर सकता है। यकीन जानिए, विश्वास करिए कि वो आपकी सुनेगा और पूरी रीति से आपको निर्भय करने के लिए तैयार है। मैं आपको गुड न्यूज देता हूँ आज की सुबह में कि अगर आप इधर उधर जा रहे हैं, अगर इधर उधर आप ताक रहे हैं, तो आप फेल हो सकते हैं, पर अगर आप परमेश्वर की ओर अपने नजरों को लगाएं, परमेश्वर की तरफ देख रहे हैं, परमेश्वर को अपना आसरा बना रहे हैं, उसको अपना आधार बना रहे हैं, उसके पास आप जा रहे हैं, तो वो आपकी सुन लेगा। आप कोई क्यों ना हो, आप किसी भी हालात में क्यों ना हो, आप कैसे भी चीजों में क्यों ना हो, कितने भी आपके पास चीजें हो, पर आप उन सब बातों को लेकर खुदा के पास जाइए। खुदा आपके लिए सुनने के लिए तैयार है, और ना कि सिर्फ सुनेगा पर आपको निर्भय भी करेगा। मैं एक दिन खुदा के पास गया, उसने मेरी भी प्रार्थना को सुना। एक दिन मैं उसके पास गया, उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। कई वजह से, कई कारणों से हम कई बार दूसरों लोगों के पास जाते हैं, दोस्तों के पास जाते हैं, अपने रिश्तेदारों के पास जाते हैं, पर आज से सही डिसीजन लीजिएगा कि मैं सिर्फ अपने यहोवा के पास जाऊंगा, क्योंकि जब मैं उसके पास जाऊंगा तो वो मेरी सुन लेगा। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।